नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पत्रकार उत्पीड़न फर्जी मुकदमे के खिलाफ सभी तहसीलों में विरोध प्रदर्शन। आईरा ने पत्रकारों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील दातागंज में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। बदायूं पत्रकारों की 8 सूत्रीय मांग लेकर आईरा पदाधिकारियों तथा पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बदायूं संवाददाता रत्नेश कुमार की रिपोर्ट। पास के कार्यक्रम का ज्ञापन सौंपने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग पीछे काफी समय से लगातार प्रयास करते आ रहे हैं कि अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाई जाए और इस 5 सूत्रीय की जो मांगें हमारी उसके बारे में आपको कुछ करना चाहते हैं सभी लोगों को। सबसे पहला है पत्रकारों सुरक्षा, क्योंकि कासुनी भी होती है, दुश्मनी भी होती है, उसकी सुरक्षा को लेकर सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि हम लोग जो एक फौजी तरह डटे होकर काम करते हैं हमारी भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी मांग है हमारी कि पत्रकार जब कवरेज करने जाते हैं तो अक्सर करके पुलिस वालों से गतिरोध होता रहता है, कहासुनी होती रहती है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि हमारी किसी तरह से जो कवरेज है वो हो पाए, क्योंकि बहुत सारी कमियां भी होती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हमारी उन कमियों को उजागर ना हो, लेकिन पत्रकार को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा उनसे ये शासन से अनुरोध है कि जो पत्रकार कवरेज करने जाता है उसका पूरा कवरेज का सहयोग करे पुलिस और पूरा सम्मान करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस जो हमारा आंदोलन चल रहा है इसको और बड़े स्तर पर बढ़ाएंगे। तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस की टकराव की वजह से जब भी पुलिस को मौका मिलता है वो पत्रकारों को झूठे मुकदमे फंसाने का पूरा पूरा प्रयास करती है। कई लोग इससे पीड़ित भी हैं, कई लोग पिछला मुकदमे लिखे जा चुके हैं, लेकिन हमारा ये शासन से अनुरोध है कि इस तरह का मुकदमे जब तक उच्च अधिकारी के जरिए जब जांच ना कराई जाए तब तक किसी पत्रकार के खिलाफ कोई मुकदमा ना लिखा जाए। अगर हम वाकई में दोषी है, हमने अपराध किया है, तो हमारे लिए मुकदमा लिखा जाए, कोई हम ये नहीं करें, कानून ऊपर है। लेकिन अगर हमने कानून तोड़ा है तो ये नहीं कि झूठे मुकदमे फंसाए जाए। और हमारी 5वीं मांग है पत्रकारों को मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि हम लोग रात दिन धूप में बरसात में जब भी कोई बुलाता है हम लोग पहुंचते हैं, जेब से पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद हमारे को 1 रुपया भी ना तो जो आदमी जिस पैदल में काम कर रहा है वहां से कोई मानदेय मिलता है, ऐसा वैधानिक का है, और ना ही हमारी कोई सरकार से सहयोग मिलता है। तो कम से कम सरकार की तरफ से जो पत्रकार है वाकई में उनके लिए बांधे मिलना चाहिए। सभी तहसील अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिसमें बिसौली में राजकुमार की तहसील है, पत्रकारों की सुरक्षा हेतु कठोर अधिनियम कानून बने, पत्रकारों कवरेज के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग व सम्मान दिया जाए, पत्रकारों फर्जी मुकदमे लगाए जाने पर अविलंब रोक लगाई जाए, पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमों को किसी उच्च अधिकारी से जाँच की जाए, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की परिवहन की जो सुविधा दी जाती है वो सभी पत्रकारों को दी जाए, साथ साथ पत्रकारों की इलाज के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था सरकार करे और जो जारी होते पास वो पास जारी करे। ये 8 सूत्रीय मांगों को हम लोग आज सभी तहसीलों पर बधाइयों की धरना प्रदर्शन देकर माननीय मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय ज्ञापन दे रहे हैं।